नमस्कार मित्रों मित्रों एक बार फरी तमारो स्वागत है अमारी यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों काले फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम से एनी पहला आज आप सहलो दिवस फॉरेस्ट गार्ड ना जे करंट अफेर अने आईएमपी प्रश्न से ते जोई लीए। एनी पहला चैनल में नवा आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर देंजों। तो चालो मित्रों आज वीडियो शुरू करिए। तो ताजेतर में अरुणाचल प्रदेश राज्य पतंगियों जाहिर करम शू केसर ए हिंद। जूनागढ़ में ताजेतर में केटलामी अखिल भारत गिरनार आरोहण अवरोहण स्पर्धा आयोजन करवामां आव्युं हतुं। बारमी गुजरात में ताजेतर में क्या पक्षीओ ने सैटेलाइट टेलिमेट्री द्वारा वैज्ञानिक अभ्यास शुरू कराया से करकरा अने कुंज पक्षी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 अनुसार गुजरात क्या जिल्ला में सौथी वधु ग्रीन कवर में घटाड़ो थयो से नर्मदा। गुजरात में केटली रामसर साइट से चार। विश्व आभूमि दिवस 2022 अवसर पर भारत में केटली रामसर साइट जाहिर थई बे। भारत में वन क्षेत्र की स्थिति अंगे रिपोर्ट कोण तैयार करे से भारतीय वन सर्वे। ताजेतर में केवड़िया रेलवे स्टेशन नाम शू राखवामां आव्युं एकतानगर। ताजेतर में दक्षिण पेसिफिक टापू पर क्यों ज्वालामुखी फाटी निकलियो टोगामा। ताजेतर में भारत तरफ थी वीडियो कॉन्फरन्स द्वारा वन ओशन समिति 2022 उच्च स्तरीय विभाग ने कोणे संबोधित कर्युं हतुं नरेन्द्र मोदी। ताजेतर में क्या सरोवर में लॉन्ग बिल्ड डोविशन जोवा मळ्या पुलिकट। ताजेतर में भारत में सौथी मोटा हनी प्लांट नुं खातामुहूर्त गुजरात क्या जिल्ला में थयुं अमरेली। शहरों में वृक्षों की संख्या में वधारो करवा गुजरात में कई योजना अमल में से नगर नंदन वन योजना। कस्तूरी मृग क्या राज्यनु राज्य प्राणी से उत्तराखंड। क्या वृक्ष ने जीवाणु प्रतिरोधक तरीके ओळखवामां आवे से लीमड़ो। बांबू प्रोजेक्ट गुजरात सरकार की कई योजना एक भाग से वन बंधु कल्याण योजना। गीध ने लुप्त थता बचावा माटे भारत सरकारे कई दवा पर प्रतिबंध मुकेलो से डाइक्लोफेन्स। पोळोना जंगलों गुजरात में क्या आवेला से विजयनगर साबरकाठा। अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में क्या प्राणी सिंह जोवा मळे से सिंह। पृथ्वी पर सौथी वधारे जंगल विस्तार धरावतो देश क्यों से रशिया। देशी बावळनो गुंदर केवो होय से सफेद रंगनो। रणनु कल्पवृक्ष तरीके कोने ओळखवामां आवे से खीजड़ो। गुजरात पर्यावरण जागृति माटेनी संस्था पर्यावरण शिक्षण केन्द्र सीईई क्या आवेली से अमदावाद। आपणा देश में कुल खेतीलायक जमीन में केटला टका जमीन वरसाद पर आधार राखे से 65%। गुजरात में केटला टका विस्तार में जंगलों से 10%। जमीन में लीलो पड़वा डाटवा माटे क्या साधन उपयोग करवामां आवे से थाळीवलो करब। भारतीय वन नीति अनुसार भारत में केटला टका विस्तार में जंगलों होवा जोईए 33%। देश वन और पर्यावरण मंत्री कोण से भूपेन्द्र यादव। क्या वृक्षना फल ने डोली कहे से महुड़ो। नीचेना पैकी कई वनस्पति अपुष्प वनस्पति से हंसराज। मेहांगनी वृक्ष क्या प्रकार जंगलों में जोवा मळे से उष्ण कटिबंधीय वरसादी जंगलों। लोहीना उत्साह दबाणना रोगनी सारवार में कई वनस्पति उपयोगी से सर्पगंधा। सीडना वृक्षना रस में निशाना पैकी शू बनावामां आवे से टर्पनटाइल। जंगल विषयक संशोधन करती जंगल संशोधन संस्था क्या आवेल से देहरादून। निशाना पैकी क्यों प्राणी ब्रह्मपुत्र नदी दलदल क्षेत्रों में जोवा मळे से एक सींगी भारतीय गेंडा। कोने कुदरतना फेफसा गणवामां आवे से जंगलों ने। क्या जंगलों में वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर करता वधु होय से उष्ण कटिबंधीय वरसादी जंगलों। वृक्षों समूह ने शू कहे से जंगलों। सावलनी बनावट में सेना पाननों उपयोग थाय से ताड़ खजूरीना पाननों। वाघना संरक्षण माटे भारत सरकारे प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम क्या वर्ष थी शुरू कर्यो हतो 1970 थी। टोपला रमकड़ा सागी वगैरह बनावट में शेनो उपयोग थाय से वांसनो।
क्या एकमात्र देश में वाघ और सिंह बंने जोवा मळे छे? भारत। क्यू वृक्ष उष्णकटिबंधीय खराबू जंगलों महत्वनु वृक्ष छे? साग। ભારતની રાષ્ટ્રીય વન નીતિ અનુસાર ભારતમાં કેટલા ટકા વિસ્તારમાં જંગલો હોવા જોઈએ? 33%. ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલી જળ સંધિ મુજબ ભારત સિંધુ નદી તંત્ર કેટલા ટકા પાણીનો ઉપયોગ કરી શકે છે? 20%. સૌથી મોટા કદનું પક્ષી ક્યું છે? શાહમૃગ. સૌથી નાનું પક્ષી ક્યું છે? બી હમિંગબર્ગ. સૌથી ઝડપી ઉડી શકતું પક્ષી ક્યું છે? શાહમૃગ. ભારતનું સૌથી ઊંચું પક્ષી ક્યું છે? સારસ ક્રેન. ભારતમાં સૌથી સારું ગાયક પક્ષી ક્યું છે? સામા. ભારતમાં સૌથી સામાન્ય પક્ષી ક્યું છે? કાગડો. ક્યું પક્ષી છે જે જમીન ઉપર પગ મૂકતું નથી એવી માન્યતા છે? હરિયત પક્ષી. મિતિયાણા અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? અમરેલી. પાણીયા અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? અમરેલી. બરડા અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? પોરબંદર. સિંહના બસ્સાને શું કહેવાય? કબ. સસલાના બસ્સાને શું કહેવાય? લિવરેટ. કાંગારૂના બસ્સાને જોય. હાથીના બસ્સાને મદન્યુ. ઊંટના બસ્સાને બોતડું. બકરીના બસ્સાને લવારું. ગધેડાના બસ્સાને ખોલકું. અને તેતરના બસ્સાને સીપર કહેવાય. તો મિત્રો, આ જે આપણે છેલ્લો દિવસ હતો અને આજના વિડીયોમાં આપણે ફોરેસ્ટને લગતા IMP પ્રશ્નો તેમજ જે કરંટ અફેર છે જેના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે તેની માહિતી આપી. તો આજના વિડીયોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચેનલમાં પહેલીવાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો જેથી આવી ભરતીને લગતી તમામ માહિતી તમને મળી રહે.